नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट न्यूज खबर दानापुर से है। सेना के द्वारा अकारण एवं जबरन बंद सैकड़ों वर्ष पुरानी लोदीपुर चांदमारी समेत दानापुर की बंद सड़कों को खोलने को लेकर 100 घंटे का सत्याग्रह आज शुरू हुआ। सत्याग्रह में शामिल ग्रामीणों एवं छात्रों ने एक स्वर में कहा कि जैसे सरकार एवं प्रशासन ने डीपीएस की स्कूली बसों को आने जाने की व्यवस्था की है, उसी तरह ग्रामीणों को भी आने जाने दिया जाए। लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले शुरू हुआ सत्याग्रह आज 10 बजे शुरू हुआ। शुरुआती 50 घंटे धरना एवं अंतिम 50 घंटे भूख हड़ताल जारी रहेगा। दिन के 11 बजे करीब शाहपुर थाने की 2 जिप्सी पुलिस पहुंची। लगभग 2 बजे करीब में दानापुर अंचला अधिकारी डॉक्टर मुकुंद कुमार झा पहुंचे। सीओ ने कहा कि सेना के उच्च अधिकारियों से 15 दिन के अंदर वार्ता कराया जाएगा और उसमें आपको प्रतिनिधि मंडल को शामिल करने का भरोसा दिलाते हुए आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। आंदोलन का नेतृत्व करते हुए AISF के राष्ट्रीय सचिव सुनील कुमार एवं लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन के पप्पू कुमार ने कहा कि जैसे डीपीएस स्कूल की बसें सरकार एवं प्रशासन के दबाव पर आ जा रही है, उसी तरह से ग्रामीणों को भी आने जाने दिया जाए। सेना द्वारा जबरन एवं अकारण लोदीपुर चांदमारी समेत कई सारे रास्ते को बंद किया गया है। लोदीपुर चांदमारी रास्ते की अगर बात करें तो यह 15 महीना से बंद है और दानापुर के और भी कई रास्तों को बंद किया गया है। रास्ते के बंद होने के बाद कोरोना काल में रास्ते को बंद किया गया, उस समय जब लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश के अंदर में, और जब स्कूल यहाँ डीपीएस स्कूल भी पड़ता है, डीपीएस स्कूल जब खुल गया है तो स्कूली बसों को आने जाने की इजाज़त जिला प्रशासन ने के हस्तक्षेप के बाद मिलिट्री ने दिया है। हम कहना चाहते हैं कि मिलिट्री जब स्कूली बसों को बच्चों को आने जाने दे सकती है तो ग्रामीणों पर जाने पर क्यों रोक लगाई हुई है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर तमाशाबीन क्यों बनी हुई है इसी बात को लेकर कि जैसे स्कूली बसें जैसे आ जा रही है उसी तरीके से ग्रामीणों को भी आने जाने दिया जाए, बस एक लाइन का हमारा डिमांड है। और राज्य सरकार ने 4 रास्ते प्रस्तावित किए हैं कि हमारा कहना है कि जब 4 रास्ते जब बन जाएंगे राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते हैं तब सरकार को लगेगा तो इस रास्ते को बंद कर सकती है, लेकिन जब तक रास्ता नहीं बनता है तब तक इस रास्ते से ग्रामीणों को आने जाने दिया जाए। इसी बात को लेकर आज डीपीएस मोड़ चांदमारी पर हम लोगों ने 100 घंटे का सत्याग्रह शुरू किया है। हम पहले 50 घंटे में धरने पर बैठे हुए हैं और अंतिम 50 घंटा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और हम सरकार और प्रशासन से साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को सुने, बातों को माने। अगर बातों को अगर नहीं मानती है तो निश्चित ही आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की स्थिति बनेगी। अगर मान लीजिए कि डीपीएस स्कूल की बसों के आगे अगर ग्रामीण बैठ जाएंगे और उनको भी रोकने का काम करेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार पर होगी। हम सीधे सीधे चेतावनी देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जैसे स्कूली बसें आ जा रही है उसी तरह ग्रामीणों को भी आने जाने दिया जाए।